dear students uh, now we are going to study the second type of research on the basis of purpose research and uh, this type of research is descriptive research uh, descriptive research is conducted to present a picture of a specific details of a situation social setting or a relationship uh, we conduct descriptive research in order to understand the relationship between the two variables uh, and in a specific situation and in a particular social setting and descriptive research starts with a well-defined uh, uh, issue or a question. And whenever we conduct descriptive research, we have a, a research question in hand. Uh, unlike uh, explorative research in which we uh, uh, start the research with an idea with an emerging issue and we do not know about the uh, research questions. Uh, but in descriptive research, we start descriptive research with the well-defined research questions and we know what are the variables of the study and we uh, more focus on uh, is on how and who then why uh, in descriptive research uh, we try to answer particular research questions and if we talk about the characteristics of the descriptive research uh, in descriptive research we provide a detailed highly accurate picture in at this level um, we have uh, variables of the study एंड उसके ऊपर जो है हम उसको मैर करते हैं प्रॉपरली और हम उसकी बेसिस पे बताते हैं कि इनके दरम्यान रिलेशनशिप कैसा है फॉर uh, इंस्टेंस अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि फियर ऑफ कोविड नाइन्टीन का मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है तो uh, जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने फीयर ऑफ कोविड नाइन्टीन को कैसे मैयर करना है और मेंटल हेल्थ को Uh, कैसे मैयर करना है और इन दोनों के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसी है एंड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी लोकेट न्यू डाटा दैट कंट्राडिक्ट पास डाटा जो बेसिक पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का uh, वो होता है एडवांसमेंट और प्रोग्रेस ऑफ द थियोरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जो है थियोरेटिकल uh, एजम्पन्स को प्रॉपरली टेस्ट करते हैं कि uh, क्या ये थोरेटिकल एजम्पन्स ठीक हैं या नहीं ठीक है जैसे कि एक थेरेटिकल एजम्पन ये है कि फ़ियर ऑफ कोविड नाइन्टीन की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ जो है नेगेटिवली ली अफ़ेक्ट हुई यानी जिन लोगों में जितना कोरोना का खौफ पाया जाता था उनकी जहनी सेहत उतनी ख़राब थी तो आ, आ, क्या ये जो थेरेटिकल एजम्शन जो है वो ठीक थी अगर ठीक थी तो किन सोशल सेटिंग्स में ठीक थी क्या ये यूरोप के लिए ठीक थी और क्या ये जो है Uh, आपकी एशियन uh, सोसाइटीज़ के लिए ठीक थी क्या ये उन सोसाइटीज़ के लिए ठीक थी जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और क्या ये उन सोसाइटीज़ के लिए ठीक थी जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा हुआ तो ये सारी सिचुएशंस uh, को हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एंड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरी और क्लासीफाई टाइप्स हम जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये कोशिश करते हैं कि हम वेरिएबल्स को जो मैयर करें और उसकी बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन करें कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो कंट्रीब्यूटिंग वेरिएबल्स हैं इन एनी इशू और कौन से वेरिएबल्स हैं जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग वेरिएबल्स हैं इन एनी इशू जैसे uh, कि मैं बात कर रहा था करोना की कि करोना में लोगों की मेंटल हेल्थ जो है उसकी एक uh, जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप थी फियर ऑफ कोविड नाइन्टीन के साथ जिन लोगों में करोना का खौफ ज़्यादा था उनकी जहनी सेहत भी उतनी ही ज़्यादा मुतासर थी और जिन लोगों में करोना का खौफ कम था उनकी जहनी सेहत भी उतनी कम मुतासर थी तो यहाँ पर एक थ्योरी है वो ये कहती है कि लोगों की जो है मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली लिंक्ड विद द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो पॉजिटिव इमोशंस हैं जो अगर लोगों का सेल्फ बिलीफ बेहतर था अगर लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनका जो है वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे तो उनमें उनकी मेंटल हेल्थ कम मुतासर हुई तो ये एक जो है इस बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो है नए उसमें एडिशन हुआ कि वेन एवर वी हैव टू स्टडी द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल इन द पेंडेमिक वी मस्ट सी द दिचुअल लेवल ऑफ द पीपल एज वेल एंड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी क्लैरिफाई आर सिक्वेंस और स्टेप्स और स्टेज सो हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो काज होते हैं कौन से वेरिएबल होते हैं जो मॉडरेट कर रहे होते हैं और कौन से वेरिएबल होते हैं जो मीडिएट कर रहे होते हैं जैसे कि जब हम बात करते हैं कोविड नाइन्टीन के मेंटल हेल्थ पे तो हमें ये नज़र आता है कि ये मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो शायद उस पापूलेशन में ज़्यादा था जो कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी और मेंटल हेल्थ का इशू जो है आपकी जो अलीज क्लास है उसमें ये इस तरह का इशू नहीं था क्योंकि अगर उनका सोशल इंटरेक्शन फिज़िकली लोगों से ख़त्म हुआ तो वो लोग जो है उन्होंने डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में अपने आप को इंगेज कर लिया जैसे कि कुछ लोग फार्म हाउसेस पे चले गए कुछ लोग वर्चुअली जो है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते रहे अपने घर में ही वो अपने आप को इंगेज करते रहे तो ये फाइंडिंग्स जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बुनियाद पर ही पता चली एंड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी डॉक्यूमेंट अ प्रोसेस और मैकेनिज्म जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो क्लियरली आपको बताती है कि कौन सा वेरिएबल वो काज है और कौन सा वेरिएबल जो है वो आउटकम है एंड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी रिपोर्ट ऑन द बैकग्राउंड एंड कंटेक्सट ऑफ अ सिचुएशन एज वेल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वेन एवर वी स्टडी द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल विद रेफरेंस टू द पेंडेमिक वी हैव टू स्टडी द सोशल सेटअप एज वेल के जो लोग हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनके इकोनॉमिक पोजीशन क्या है मेंटल हेल्थ इज़ आल्सो लिंक्ड विद द इकोनॉमिक पोजीशन तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम uh, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं